Now, we see the magnetic force acting on a current carrying conductor. That is the current carrying conductor. Suppose P and Q, Q is here, P and Q is the current carrying conductor. And it is placed in a uniform magnetic field, that is the B vector. B vector is the uniform magnetic field. Uniform magnetic field. Magnetic field. Or current is moving, that current I, is moving in a conductor which is placed with an angle of theta to in a magnetic field. So that is the arrangement. Now when there is the current flow in a conductor, जैसे ही करंट फ्लो करेगा, हम सब जानते हैं दैट व्हाटएवर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, दे स्टार्ट मूविंग, दे गेट ड्रिफ्टेड एंड दे गेट ड्रिफ्ट अगेंस्ट द कन्वेंशनल करंट और अगेंस्ट द फील्ड अप्लाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। तो ऐसे में मान लेते, सपोज करो कि हमने एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया एंड दैट इज द डीएल लेंथ एलिमेंट, डीएल लेंथ एलिमेंट अप टू दिस, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन को हमने बात किया, दैट इज द माइनस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं या नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द, दिस वन इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वो सभी इलेक्ट्रॉन, वो सभी चार्ज ड्रिफ्टेड है और अगेंस्ट द कन्वेंशनल करंट और अगेंस्ट द फील्ड अप्लाई, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई। और ये चार्ज कहां मोशन शो कर रहा है, कहां वेलोसिटी है, इन ए फील्ड, और इसके साथ है वो थीटा एंगल के साथ है। हमने एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया डीएल और इस लेंथ एलिमेंट डीएल पे अब सारा चीज देख रहे हैं। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल दैट द फील्ड इज इंडेक्स फिगर, फिंगर रिप्रेजेंट द फील्ड, द मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड द थंब विल रिप्रेजेंट द फोर्स एंड दैट इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर, अगर मैग्नेटिक फील्ड को आप एक डायरेक्शन ले लें और करंट का डायरेक्शन या फ्लो ऑफ द चार्ज का डायरेक्शन अलोंग द जेड कंसीडर किए, तो ऐसे में जो लॉरेंट फोर्स एक्ट कर रहा है, वो लॉरेंट मैग्नेटिक फोर्स दैट इज द एफएम विल एक्ट अलोंग द वाई कंपोनेंट। अब क्योंकि हम लोग डीएल का बात कर रहे हैं, तो फोर्स भी हमारा क्या हो गया, डी एफएम हो गया। छोटे से लेंथ एलिमेंट का कंसीडर किए तो छोटा फोर्स किधर पड़ रहा है, और द टेंडेंसी ऑफ द फोर्स इज हियर टू डिफ्लेक्ट द कंडक्टर फ्रॉम इट्स ओन पोजीशन। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में करंट आप देंगे, तो टेंडेंसी, ये फोर्स क्या डेवलप कर रहा है, टू डिफ्लेक्ट द कंडक्टर फ्रॉम इट्स पाथ इन ए मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी यही बात हम लोग देख रहे हैं। सो लॉरेंट फोर्स एक्ट ऑन इट ऑन एन इलेक्ट्रॉन, सीधी सी बात देखो यहां पर, अभी हमने एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर किए और इसमें कई इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो हम कंसीडर उसको भी करेंगे कि मान लेंगे कि स्मॉल n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लेंथ dl एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। चलो यहां पे लिख देते हैं दैट a इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज द a, a क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो ये यूनिफॉर्म प्रोसेसनल एरिया भी बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म प्रोसेसनल एरिया ए। तो ऐसे में ऑफ दैट पोर्शन डीएल ऑफ एरिया ए दैट बिकम द वॉल्यूम। सो इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज है और कितने उतने चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर कितना लॉरेंट फोर्स एक्ट कर रहा है, जिसकी टेंडेंसी है टू डिफ्लेक्ट द कंडक्टर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। तो आप देखो यहां पे हम बात कर रहे हैं सीधे कि लॉरेंट फोर्स एक्ट ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे बात कर रहे हैं, लॉरेंट फोर्स एक्ट ऑन एन इलेक्ट्रॉन,
तो फोर्स कितना हो गया, दैट इज द डीएफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई, एंड हियर इट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। फिर से बता रही है, वेलोसिटी जो आपके पास आया दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेनेवर द पोटेंशियल इज अप्लाइड व्हेनेवर द फील्ड विल डेवलप्ड व्हेन द कन्वेंशनल करंट विल मूव। तो ये सारी बात आप जान रहे हैं। अब यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन पे बात की, हाउ मच इलेक्ट्रॉन एंड हाउ मच चार्ज इन दिस स्फीयर ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मींस ऑफ दैट वॉल्यूम। तो यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, मान लेते हैं लेट एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम को हम इस वॉल्यूम में ले रहे हैं, दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू ए इंटू डीएल। अब इतने वॉल्यूम में हम बात कर रहे हैं टोटल नंबर, तो मान लेते हैं यहां पे n, दैट इज n इज इक्वल टू टोटल नंबर n बाय ए डीएल, दैट इज द वॉल्यूम, ठीक है। और दिस इंप्लाइज, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया फॉर दैट मच वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, सो दैट इज द n ए डीएल। तो ये n टोटल वॉल्यूम निकल गया, टोटल नंबर ऑफ चार्ज, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस वॉल्यूम। अब क्या है टोटल चार्ज कितना है इस वॉल्यूम में, तो टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इन द वॉल्यूम, इन द वॉल्यूम कितना लिए ए डी एल, वॉल्यूम इन द वॉल्यूम ए डी एल टोटल चार्ज और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं इज गिवेन एज, गिवेन एज कितना हो गया। तो यहां पर हम क्या ले रहे हैं, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज That is equal to, हमने लिख दिया वॉल्यूम इज इक्वल टू, कितने वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर द डीएल इनटू ए। तो ये टोटल चार्ज कितना हो गया, दैट इज द इलेक्ट्रॉन निगेटिव ले लिए और इधर हो गया एन ए डीएल, तो ये टोटल चार्ज आपके पास आ गया, दैट इज द ई निगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और सपोज करो कि हमने इसको इक्वेशन वन माना और ये इक्वेशन टू माना। Now the Lorentz force acting for the total charge in this volume जो रखा हुआ है, तो ऐसे में Lorentz force for the number of charge, total number of charge along that volume, Lorentz force or force for सच नंबर ऑफ चार्जेस जो आपने लिया है फॉर टोटल चार्ज, दैट इज द डी एफ, क्योंकि आपने छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिए, फॉर दैट द फोर्स एक्टिंग इज द वेरी स्मॉल डी एफ एम इज इक्वल, टोटल चार्ज हमारे पास कितना है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं दैट इज माइनस ई एन ए डी एल, और यहां पे कितना आ गया, दैट मीन्स वेलोसिटी टू वेलोसिटी इन टू वेक्टर। लिसन हियर, यहां पे फिर हम देख रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑलवेज अगेंस्ट द लेंथ एलिमेंट, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में लेंथ एलिमेंट को कंसीडर करते हैं, ये हम लोग जानते हैं कि करंट के डायरेक्शन में लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन होता है, द डायरेक्शन लेंथ एलिमेंट इज अ वेक्टर, वेक्टर बिकॉज इट हैज अ डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो इसके अगेंस्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, अगेंस्ट है, इलेक्ट्रॉन पे एक्ट कर रहा है, चार्ज क्या है यहां पे, इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे में ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगेंस्ट है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि सिंस द ड्रिफ्ट वेलोसिटी हैज द नेगेटिव रिलेशन या अपोजिट रिलेशन टू दैट ऑफ द, सिंस द, या लिखो द लेंथ एलिमेंट डीएल, सिंस द लेंथ एलिमेंट डीएल वेक्टर has opposite direction to that of the drift velocity, as
अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम वेलोसिटी जो ड्रिफ्ट वी आपने दिया है, दिस इज द वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस डीएल फॉर एनी टाइम ऑफ द डीटी। और ये वेक्टर है तो वेक्टर यहां भी रिप्रेजेंट किए, यहां भी दिखा रहे हैं। अब वेक्टर की जगह पे अब इसको यूज करेंगे। मान लिए दिस इज द इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस वन इज द इक्वेशन 4। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 क्या बन गया? सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 वी हैव हाउ मच इट, तो कितना फोर्स हो गया हमारे पास, दैट इज डी एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, यहां रखेंगे माइनस ई ए एन डी एल, और इधर कितना आ गया तो हम डी के जगह पर रखते हैं माइनस डी एल बाई डी टी इन टू बी वैक्टर। बी वैक्टर तो ऐसे में ये निगेटिव और ये निगेटिव क्या हो गया, दैट बिकम द पॉजिटिव वन। सो स्मॉल जो फोर्स आपने निकाला लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, तो ये हमको क्या मिल गया यहां पर, दैट इज द रिलेशन डी एफ वैक्टर इज इक्वल टू, यहां पर हम कंसिडर कर रहे हैं माइनस माइनस प्लस, दैट इज द ई एन ए डी एल, और डी टी को बाहर कर दिए तो यहां पर आ गया डी एल का वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। Now we know that the total charge, this is the total charge per unit time is known as the current. Charge per unit time is known as the current. Since E and A dl by dt is equal to total charge for the length or for the volume to the time per unit time is the current I. Is the current I. तो इसका मतलब यहां इतने दूर के जगह पे हम करंट I रख देंगे, तो ये हो गया DF। Now the above relation becomes, ऐसे लिख सकते हैं, Now the above relation becomes, कितना हो गया above relation, तो that is the DF is equal to, यहां पर हम ले रहे हैं करंट का हो गया I और यहां लिख दिए DL क्रॉस B वेक्टर। देखो ये छोटे से लेंथ एलिमेंट और छोटे से वॉल्यूम क्रॉस सेक्शन को कंसीडर किए थे, यहां पे वॉल्यूम को कंसीडर किए, तो ऐसे में DF फोर्स एक्ट कर रहा है। लेकिन अगर आपको पूरे लेंथ को लेना है, पूरे लेंथ हमने कितना लिया है, यहां देखो पूरा लेंथ हम यहां कंसीडर कर रहे हैं, मान लो यहां पर हम इसको becomes तो यहां से हटा देते, ये पूरा लेंथ हमने कंडक्टर का लिया L, L is the length of the conductor L, that is the upper limit भी बोल सकते हैं, ठीक है। above relation becomes, ठीक है, तो length of L के लिए total length of the conductor consider करेंगे, तो यहां क्या आ जाएगा, तो integrate करना पड़ेगा इस equation number 5 को, that 5 equation 5 will integrate। So, integrate the above equation 5 to the complete length L. Integrate the equation, above equation 5 to the length of the conductor, to the length of the conductor. तो कंडक्टर का लेंथ आपने क्या लिया, एल लेंथ लिया है, दैट इज एल। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये एल लेंथ पे इसके जगह यहां बैठा देंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करना है, सो दैट इज द डी एफ इंटीग्रेट टू दैट ऑफ द फोर्स वेक्टर टू द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल आई करंट है फॉर द लेंथ। तो अब टोटल लेंथ ले रहे हो, लेंथ
दैट इज आई और यहां हो गया डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। करंट कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, दैट इज कांस्टेंट है। डीएल पे वेरिएशन हम ले रहे हैं टू द लेंथ ऑफ डीएल, तो यही रिलेशन अब हमारे पास कितना आ जाएगा। सो लॉरेंट फोर्स आपने या मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट कर लिए कि दैट टोटल मैग्नेटिक फोर्स विच डिफ्लेक्ट द कंडक्टर फ्रॉम इट्स पाथ व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखते हैं तो फोर्स हो गया, दैट फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच इट इज आई एंड इंटीग्रेशन ऑफ डीएल हो रहा है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ आई को बाहर कर दिए, दैट इज द डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और दैट सिंपल आई फॉर दैट एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो अब यह क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये दोनों लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो हम ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा इनटू नॉर्मल कंपोनेंट। तो ये दोनों ही इक्वेशन नंबर 7 या इक्वेशन नंबर 6 रिप्रेजेंट हो गया, दैट इज द 6 इक्वेशन। तो यहां पर दोनों आई के साथ है, अब ये पोर्शन कितना है, दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द नॉर्मल एट अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो अब यहां पे हम देख रहे हैं कंडीशंस है, तो इन मैग्नीट्यूड अगर बात करें, इन मैग्नीट्यूड तो टोटल फोर्स कितना एक्ट किया फॉर द कंडक्टर, दैट इज मैग्नीट्यूड में मॉड लगा दिए और सिंपल एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज आई एल बी साइन थीटा। नाउ थीटा इज द फैक्टर, थीटा इंपॉर्टेंट है जो हम लोग शुरू से मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स के केस में देख रहे हैं कि थीटा इंपॉर्टेंट कैसे हो गया, कि अगर थीटा का वैल्यू आप 0 या 180 लेते हैं तो हम केस दैट केस साइन इज इक्वल टू 0। तो हम यहां पर भी देख रहे हैं केस 1 एंड देन एट दैट टाइम द फोर्स वैल्यू इज द नेगलिजिबल और कह सकते हैं 0, दैट इज द मिनिमम। ठीक है, फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री इन आइदर ऑफ द केस, साइन ऑफ 0 डिग्री that is equal to sine of 180 degree that is equal to 0। तो ये फोर्स हमको कितना मिल गया, सो लॉरेंट मैग्नेटिक फोर्स दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैग्नीट्यूड में देख रहे हैं और अगर वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे इट विल गिव द नल वेक्टर। ओवरऑल क्या जान रहे हैं, दैट इज द मिनिमम वैल्यू फोर्स, लेकिन कब, जब किसी कंडक्टर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है बी वेक्टर, और इसी डायरेक्शन पे अगर आप करंट कैरिंग कंडक्टर को भी प्लेस करते हो, तो ऐसे केस में करंट आई और जो वेलोसिटी आपने गेन किया इसके बीच में आइदर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज, चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं या पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन पे, तो ऐसे में फोर्स का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। इट इज द फर्स्ट केस, वन केस हम देखे मिनिमम फोर्स एक्ट कर रहा है। और ये भी जान रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स तभी एक्ट करता है जब उसमें एंगल विद द वेलोसिटी होता है। तो अब ये सेकंड केस अगर हम कंसीडर करते हैं, यहां पे केस सेकंड, दैट इज फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लॉरेंट फोर्स। तो सेकंड केस क्या हो गया, केस सेकंड फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और साइन 90 वी नो साइन 90 दैट इज इक्वल टू 1। तो ऐसे में लॉरेंट मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू मैक्सिमम एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स एंड दिस इज द BIL, बिल कह सकते हैं और जैसे भी आप रिप्रेजेंट करें, ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स। और ये बात आप यहां कंसीडर कर रहे हैं कि जेड कंपोनेंट में अगर कंडक्टर को रखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगा एंड दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वाई कंपोनेंट। सो ये क्या था, दैट वी कम टू नो व्हेनेवर द कंडक्टर हैविंग द करंट प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस
सम फोर्स मैग्नेटिक फोर्स विच हैव अ टेंडेंसी टू डिफ्लेक्ट द कंडक्टर फ्रॉम इट्स पोजिशन एंड दैट इज द लॉरेंट्ज़ फोर्स और दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स. ओके फॉर टुडे इज ओवर. गुड लक. नेक्स्ट डे वी विल सी द अनदर टॉपिक.